आज का वीडियो है हम कैसे किसी भी गाने या फिर गीत या फिर किसी भजन या फिर किसी भी गजल को सुन के लाइव सुन के कैसे स्केल पता करेंगे उसका और कैसे उसको बजाना है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं लाइव वीडियो चला रहा हूँ, आपको पता है एक बहुत मशहूर गायक है मैथिली ठाकुर, उनका ही ये भजन है, तो दोनों भाई बहन गा रहे हैं ये भजन, तो इस भजन को पकड़ने की कोशिश करें कि उन्होंने ये भजन गाया कहाँ से। चलिए शुरू करते हैं, पहले सुनिए और फिर देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है इसको पकड़ने के लिए। अभी देखिए जैसे हमने सुना है, पहले भी मैंने ये सुन रखा भजन, चित्र विचित्र जी ने गाया हो, तो अभी पहले हम क्या करेंगे इसको पकड़ेंगे किसे, इसने कहाँ पे गा, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। देखो इस लड़के ने जो भी गाया है मैंने क्या किया उसको कॉपी किया, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, तो ये पकड़ेगा सा, यानी कि इसका सा ये हुआ सा, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, तो ये सा यहां से है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या चलता है, पहली चीज तो आपको पूरा भजन याद होना, जैसे मेरे को पूरा भजन याद है, सुन भी रखा है, जो जैसे भी ये बजाएंगे गाएंगे तो मैं उसको कॉपी कर लूंगा, मेरे को मुश्किल नहीं होगी। मेन चीज है कि हमें अपने, अभी देखो सब लोगों ने यहां से तो बजाया नहीं हुआ ये भजन, इन लोगों ने यहां से गाया है ठीक है, और आपने तो नहीं यहां से सुना हुआ, तो अब इसको कैसे फॉरवर्ड करना है, कैसे इसको निकालना, देखिए हमेशा देखो अभी ये सा हो गया, अभी हमें चेक ये करना है कि मेरा ये मेजर स्केल के अंदर भजन आता है कि माइनर में आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे पहले मेजर लगाएं, वृंदावन जाऊंगी सखी, तो कॉर्ड अलग सुनाई दे रहा है, मेरा गाना अलग सुनाई दे रहा है, तो मतलब कि ये भजन मेजर स्केल में तो नहीं है, तो मैंने क्या किया था तीसरी काली स्केल रखा है जो इनका स्केल है, तो तीसरी काली से गा रहे हैं, तो हम तीसरी काली को आप पहले मेजर कॉर्ड लगा के देखो, तो मेजर कॉर्ड में मैच नहीं हो, तो अभी क्या करेंगे माइनर लगा के देखो, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, तो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो मतलब कि ये गाना हमारे माइनर स्वरों के ऊपर, यानी कि अगर माइनर में आए तो कौन से थाट हो सकते हैं या फिर कौन कौन से राग होते हैं, जैसे कि माइनर में आपका राग भैरवी के अंदर ये गाना आ सकता है, आशावरी के अंदर आ सकता है, काफी के अंदर आ सकता है, जो थाट जिसके अंदर गा कोमल है। लेकिन अभी हम इसमें एक और देखिए, हमेशा ना जो भी गीत होता है या भजन होता है वो हमेशा चार स्वरों से मुख्य रूप से उठता है, यानी कि ये सा है या तो ये कोमल गा से उठेगा क्योंकि ये माइनर स्केल गाना, तो कोमल गा से उठेगा, या फिर पास उठेगा, या फिर मंद्र सप्तक है आपके पास उठेगा, टोटल चार स्वर हो गए, मंद्र सप्तक का पा सा गा पा, ये चार स्वर है। अभी देखते हैं ये कहां से उठेगा, वृंदावन कहां से उठ रहा है, वृंदावन पास उठ रहा है, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। तो अभी मेरे को इसमें पता चल गया कौन से स्वर लगे, सिर्फ इतनी लाइन बजाने के बावजूद ही मेरे को पता चल गया सा नी कोमल धा कोमल पा, फिर रे शुद्ध लग रहा है, गा कोमल मा आप इसको थाट आशावरी के स्वर बोल सकते, इसमें लगभग थाट आशावरी के स्वर लग रहे हैं सारे के सारे ठीक है जी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं बड़ा इजी। अभी ये चीज कहीं से बजे, अब यहाँ से बजाना, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, उठे की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी,
आराम से बजेगा, क्योंकि आपको सही राग का अनुभव हो गया, सही स्केल पकड़ में आ गया, बोल आपको ऑलरेडी आते हैं, भले आप कहीं से बजाइए, है ना। इसमें भी एक और वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में घुमा जादू नगरी ठीक है, ये सारे गाने माइनर स्केल के अंदर है। जब इसमें एक और गाना आ जाए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सो ऐसे ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी, जब क्योंकि ये आपने सारी चीजें सुन रखी है तो आपके लिए कुछ बजाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मेन चीज मैं आपको यही कहूंगा, आपको स्केल का पक्के हैं आप, आपको सही स्केल का अनुभव है, भले ही आपको कोई राग नहीं पता, कोई थाट नहीं पता, आपको सिर्फ मतलब कि थाट पता है और उनके अंदर लगने वाले स्वरों का पता है और आपको स्वर की चलन पता है, जैसे कि इस भजन की स्वर चलन की काली कमली वाला दा रा 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 मेरा यार है, तो क्या हमें एक पूरी पूरी इसकी चलन पता है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है ठीक है। इसमें बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, सिर पर हाथ रखोगे बोलो क्या लोगे, सारे भजन ऐसी में आ जाएंगे। बहुत ही प्यारा राग है, इसमें देखो माइनर स्केल है, तो आप ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे तो आपको अपने आप मिलते जाएंगे, क्योंकि ये चीजें सुनी होंगी तभी पॉसिबल है, जब सुनी नहीं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। सो ऐसे कड़ियों से कड़ी जोड़ते जाओ और अपने आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। बेसिक चीज के ऊपर काम करिए, थाटों के ऊपर काम करिए, अलंकारों के ऊपर काम करिए, स्केल्स के ऊपर काम करिए, अपने आप बजाना आ जाएगा। बंदिश जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को ये फलाना राग सिखा दो, ढिमकाना राग सिखा दो, कुछ नहीं होगा, 50 राग भी सीख लो भाई कुछ नहीं होने वाला, जब तक आपको स्वर की सही पकड़ नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैं कैसे इसको, जो आपके सामने है ना, मैंने एक भजन पकड़ उसके जैसे मिलते जुलते भजन मेरे अपने आप दिमाग में आने शुरू हुए। सो ये चीजें आप भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सीखने के ऊपर ही निर्भर है। सो धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं वीडियो में।